तो मैं भारतीय जनता पार्टी ने मुझे तीसरी बार यहाँ से उम्मीदवार बनाया है, तो मैं लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए आज मझालवी गांव में आया हूँ कि तीसरी बार मोदी को ही हम देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे और उनके उम्मीदवार को यहाँ से जिताएंगे। 24 घंटे बिजली हमारी सरकार ने दी, घर घर में नल से जल हमने पहुँचाया, हर घर में शौचालय हमने बनवाया, गरीब के इलाज की व्यवस्था हमने 5 लाख तक के की। श्रेष्ठ भारत के लिए सब मोदी जी को वोट करें, भाजपा को वोट करें। मंत्री जी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इन्हीं जो आपका इंतजार था वो खत्म हो चुका है। मंत्री जी हमारे बीच में पधार चुके हैं, उनके साथ विधायक साहब राजेश नागर जी भी हमारे बीच आए हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। जो 400 वाला कमल होगा वो मंत्री जी का 10 लाख वोटों के साथ पहले नंबर पे आएगा। जी गांव मझावली पहुंचे हैं, क्या कहोगे? देखिए आज पूरे देश में लोकसभा का 18वीं लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी ने मुझे तीसरी बार यहाँ से उम्मीदवार बनाया है, तो मैं लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए आज मझालवी गांव में आया हूँ। और आप देख रहे हैं मझालवी नहीं, पूरे इलाके में मोदी के प्रति जो लोगों में उत्साह है, जोश है, लोग देश के लोगों ने और फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने तय कर लिया है कि तीसरी बार मोदी को ही हम देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे और उनके उम्मीदवार को यहाँ से जिताएंगे। मंत्री जी अगर हम बात करें आपके भाषण की, अभी 30 मिनट के आसपास आपका भाषण चला, लेकिन ऐसे में ग्रामीण स्तर के जो मुद्दे हैं, इस क्षेत्र के जो मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं कहेंगे उनका जिक्र कहीं पर भी नहीं था। देखिए मोदी की चर्चा, देखिए कैसे जिक्र नहीं, बिजली का मैंने जिक्र किया, 24 घंटे बिजली हमारी सरकार ने दी, घर घर में नल से जल हमने पहुँचाया, हर घर में शौचालय हमने बनवाया, गरीब के इलाज की व्यवस्था हमने 5 लाख तक के की, हर घर में 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति हर महीने आता है, तो ये सारे काम, गैस का सिलेंडर मुफ्त में गरीब आदमी को हर महिला को हमने दिया। आज सड़कें देखो, पुल देखो, आप हाईवे देखो, आप मेडिकल कॉलेज देखो, आप रेलवे स्टेशनों का स्वरूप देखो, ये सारी चीज़ें इन्हीं 10 सालों में इस लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने देखी है। अगर हम बात करें यहाँ के मझावली पुल की, तो कब तक समझते हैं कि कब तक पूरे तरीके से? आपसे ज़्यादा दूर थोड़ी है, जाके देख लो। नहीं, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में तो अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं है, वहाँ 21 करोड़ रुपया उन्होंने जमीनी की एक्विजिशन के लिए कर दिया है, तो तुरंत हमारा पुल तैयार होगा, उन्होंने उसकी कार्रवाई शुरू कर दी है। उनका 1 किलोमीटर का एरिया, हमारा 19 किलोमीटर की रोड है, हमारी बनके तैयारी होगी। 1 किलोमीटर में कितना टाइम, पैसा उन्होंने दे दिया है, किसानों को मुआवजा देके काम शुरू कर देंगे। और कोई संदेश जो आप दर्शकों को देना चाहते हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, देश के भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए, विकसित भारत के लिए, श्रेष्ठ भारत के लिए सब मोदी जी को वोट करें, भाजपा को वोट करें और तीसरी बार देश की बागडोर एक दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को सौंपें। जी बहुत बहुत धन्यवाद।